तरीके से उस मुहिम को आगे बढ़ाया जो जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया की जो एक विचारधारा थी उसका कोई तोड़ ही नहीं है, और शब्द कम पड़ जाएंगे उस चीज के लिए कहने के लिए। और आज एक भावुक पल भी है हम लोगों के लिए, पूरी समाजवादी के लिए और सबके लिए। और आपने देखा होगा कि पार्टी से हटकर नेताजी का, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नेताजी का जिस तरीके से सम्मान था पूरे देश में, हर एक नेता, उनका व्यक्तित्व, उनकी, उनके विचार, उनका लोगों से मिलने का तरीका, उनको पक्ष में रहते हुए विपक्ष को सम्मान देने का तरीका, वो एक नजीर बनेगा आने वाले वक्त में। लोग राजनीति में जो हैं, जो उच्च पदों पर हैं, उनको एक तरीके से उससे सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से राजनीति की जाती है और किस तरीके से एक संवैधानिक पद पर रहा जाता है, और सर समाज और सबका सम्मान कैसे दिया जाता है। इसका मुझे लगता है कि इस युग में मुलायम सिंह यादव जी से बेहतरीन उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। शब्द नहीं है मेरे पास, क्या कहूँ। मैंने तो अपने बचपन, मेरा खुद का बचपन, मुझे उन्होंने एक, मेरा, मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मुझे उन्होंने गोद में भी लिया है, मैं बहुत छोटा था। मेरा परिवार समाजवादी से जुड़ा हुआ है, भावुक पल है सबके लिए, लेकिन फिर भी यही सत्य है। हम कर सिर्फ इतना सकते हैं कि उस विचारधारा को जिंदा रखें, जिस रास्ते पे नेताजी ने हम लोगों को चलने के लिए रास्ता दिखाया है उस रास्ते को जिंदा रखें, और उनका, उनके जैसे व्यक्तित्व का इंसान कम देखने को मिलता है, और जिसकी झलक आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में मिल रही है कि वो कितने बड़े नेता थे, इस और कितना उनका व्यक्तित्व हर तबके के लोगों में, हर प्रधानमंत्री ने भी आज उनके लिए जो चीजें कही वो सम्मान देने लायक है कि हम विपक्ष में है या पक्ष में है, ये इससे ऊपर उठकर हम एक दूसरे का सम्मान कैसे कर सकते हैं और कैसे चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे मिल के रह सकते हैं, उससे बड़ा उदाहरण नेताजी से बेहतर जी। तारिक जी, कहा जा सकता है कि मुलायम सिंह देश प्रदेश के बहुत ही सम्माननीय नेता थे, उनको लोग बहुत ही प्यार करते थे। जब से कम से कम 22 अगस्त के आसपास से वो विधानता में एडमिट थे, उनका इलाज जारी था, तो तमाम सी उनको कई सी किटकल्टीज उनके बॉडी में थी, जिसको देखने के लिए वहाँ पे सपा कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं बड़ी संख्या में मौजूद हो रहे थे, वहाँ जाके मिल रहे थे, उनका हालचाल ले रहे थे, खुद प्रधानमंत्री उनके हालचाल ले रहे थे, मुख्यमंत्री उनका हालचाल ले रहे थे, राजनाथ सिंह रक्षा खुद उनसे मिलने चले गए थे। और आज आप देख सकते हैं कि जब उनका काफिला अखिलेश यादव के साथ में निकला है पार्टी शरीर को लेकर, तो पूरे जहाँ जहाँ से वो गुजरे हैं वहाँ भी सपा कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ रही है और उनको पुष्प से श्रद्धांजलि दी गई है, अपना शोक संतावना उनके प्रति व्यक्त की गई है। और आपको क्या लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के लिए कितनी बड़ी क्षति है? बहुत बड़ी क्षति है ये समाजवादी के लिए। एक एक समाजवादी कार्यकर्ता आज के दिन रोया है, वो नेताजी से प्रेम करता है। हम लोगों ने, वही मैं समझाना चाहता हूँ कि हम लोग ने उनका इसने देखा है, उसको फील किया है, और वो किस स्तर का रहता था मतलब मैं बता नहीं सकता। कहीं ना कहीं हर इंसान जो समाजवाद से जुड़ा हुआ है, खासकर समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी पूर्ति वो व्यक्तित्व दूसरे से नहीं मिल सकता। वो इसने एक बहुत छोटे कार्यकर्ता से लेकर और शीर्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, पार्टी की अंदर की बात कर रहा हूँ, वैसे इनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था जो देश और प्रदेश को प्रभावित करता था, लेकिन अगर पार्टी की बात करें तो हर इंसान आज दुखी है, भावुक है जी। और समाजवादी पार्टी के लिए इससे दुखी पल नहीं हो सकता जी। तारिक जी, इस खबर पर जुड़ने के लिए, इस मुलायम सिंह जी के दुखद निधन पे हमारे इतने शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।